हेलो एवरीवन, हाउ यू आर टुडे। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे घर में और स्टडीज़ भी कर रहे होंगे। सो टुडे विल स्टार्ट द फर्दर मोर क्लासिफिकेशन, आगे की एक्सप्लेनेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑफ द सेम चैप्टर, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ओके, सो बच्चों आप लोगों को याद होगा कि प्रीवियसली हमने कहाँ तक स्टडी किया था। हमने स्टडी किया था की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी तक। ओके, सो की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसको आज हम लोग एग्जाम्पल के वाइज क्लासिफाई करेंगे। ओके, मैं आप लोगों को सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगी, ऐसे ऐसे कुछ एक दो केसेस बताऊंगी जो हमारे की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को क्लैरिफाई करता है। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट हमारा की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? अ रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। ओके, सो इस बात को हम लोग क्लैरिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, केस फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, ये उस टाइम की बात है जब उस पाकिस्तान में मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ वॉज अ जनरल एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उस टाइम पे एक केस हुआ था जिसका हम लोग आज एग्जाम्पल लेंगे, और हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो केस पाकिस्तान में हुआ था ये एक डेमोक्रेटिक लेवल पे हुआ था कि नहीं हुआ था, और फिर ये की हमारा जो डेमोक्रेसी का एक कैरेक्टर उसको क्लैरिफाई करता है कि नहीं करता। ठीक है, इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं वो एक मिलिट्री ग्रुप, एक मिलिट्री ग्रुप के लीडर थे। ठीक है, एक टाइम तक वो मिलिट्री ग्रुप के लीडर थे, उसके बाद सम थॉट उन्होंने कुछ सोचा और उन्होंने अपनी वो डेजिग्नेशन को ओवरथ्रो कर दिया, उन्होंने अपनी वो डेजिग्नेशन हटा दी। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद की डेजिग्नेशन हटा दी बस ऐमी कि उनका मन किया मुझे ये नहीं दूसरी पोस्ट स्टार्ट करने, उन्होंने पूरा लीगली डेमोक्रेटिकली खुद को उस पोस्ट से हटा करके एक नेक्स्ट पोस्ट में इलेक्ट किया। ठीक है, दैट पोस्ट इज उन्होंने खुद को फिर चीफ एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर डिक्लेयर कर दिया वाया डेमोक्रेटिक मेथड्स। ऐसा कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जो कि नॉर्मली बस गए अपना डेजिग्नेशन ड्रॉप किया और कोई और डेजिग्नेशन ले लिया, नहीं, उन्होंने डेमोक्रेटी विद फुल लॉज एंड फुल रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने अपने एक डेजिग्नेशन को ड्रॉप किया, दैट इज़ कि वो मिलिट्री जनरल थे। उसके बाद उन्होंने खुद को एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर आ गए ऑफ दैट कंट्री, विच कंट्री, पाकिस्तान। ठीक है, अब पाकिस्तान के पास परवेज जो थे, परवेज मुशर्रफ, वो एक मिलिट्री के जनरल ने, अब वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के बाद उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में कुछ चेंजेस किए जाए या उन्हें अपने डेजिग्नेशन को एक पॉइंट और बढ़ाना था, क्योंकि वो चाहते थे पाकिस्तान में कुछ चेंज करना, सम सॉर्ट ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के प्रोविंशल्स में। और वो चेंज करने के लिए वो जो उनका चीफ एग्जीक्यूटिव का पोस्ट था वो बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं था, इतना पावरफुल नहीं था कि वो उस पोस्ट पे रह के वो सारे डिसीजंस ले सकें, क्योंकि हमें डिसीजंस लेने के लिए पावर होना बहुत ज़रूरी है। इफ वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ पावर, अगर हम कुछ पावरफुल होते हैं, हमारे पास कुछ अच्छी पावर होती तो लोग हमारी बात सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। अगर हम एक नॉर्मल कॉमन पीपल उठ के कहीं से किसी को भी कुछ बोले तो सामने वाले क्या बोलते हैं, अरे बकता है बकने दो, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी कोई स्टेटस नहीं, कोई पोजिशन नहीं है, और जब हमारे पास वो पोजीशन आती है तो वहाँ पर लोग रुकते, हमारी बात सुनते कि अच्छा ये वो कोई डॉक्टर है, अच्छा फेमस है, चलो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, फिर शायद उसे इंटरेस्टिंग लगता है तो वो उस पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे भी मुशर्रफ जो थे, परवेज मुशर्रफ को भी यही लगा कि उनकी पावर कम है पाकिस्तान में चेंजेस करने के लिए। सो नाउ उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रेफरेंडम सेशन कंडक्ट किया। रेफरेंडम सेशन क्या होता है बच्चों? वो एक ऐसा इलेक्शन सेशन होता है जहाँ पर वोटिंग होती है प्राइवेट ग्रुप्स में। प्राइवेट ग्रुप्स में आप लोगों को समझाती हूँ, ऐसा नहीं है कि बस प्राइवेट ग्रुप्स मतलब तीन चार लोग मिलके, नहीं, वो एक ऐसा इलेक्शन सेशन होता है जहाँ पर इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करने वाले लोग या इम्पॉर्टेंट जगह के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो पॉलिटिकल लेवल पे थोड़ा अच्छे स्टेटस वाइज होते हैं ना, वो लोग रहते हैं और उनकी अमंग्स वो इलेक्शन होता है, और उसमें जो एक कॉमन, जो एक मेजोरिटी में जो कॉमन वोट होता है उसके ऊपर रिजल्ट सुना दिया जाता है। तो रेफरेंडम सेशन हुआ, ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि वो रेफरेंडम सेशन जो हुआ था वो माल प्रैक्टिस और फ्रॉड के ऊपर बेस्ड था, मतलब वो पूरा पूरा प्रोसेस वाइज नहीं किया था मुशर्रफ ने अच्छी तरह से, जैसे होना चाहिए इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वो जिस तरह का रेफरेंडम सेशन होना चाहिए क्योंकि वो एक कॉमन वोट होता है, बट यहाँ पे कॉमन वोट जैसा नहीं हुआ था, यहाँ पे बस कुछ अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, रिस्पेक्टेबल सॉर्ट ऑफ किसी भी फील्ड से आए थे, उन्होंने वोट किया, और फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ने अपना फिर से चेंज करके डेजिग्नेशन क्या कर दिया, खुद को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया इन 2002। ठीक है, इन अगस्त 2002
मुशर्रफ ने क्या किया, अपने एक डेजिग्नेशन जो था उनका चीफ एग्जीक्यूटिव, उसको फिर से चेंज करके खुद को डिक्लेयर कर दिया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नाउ जब उन्होंने खुद को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट किया तो अब उन्हें समझ आया कि नाउ ही इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ पावर। तो उन्होंने पूरा का पूरा पाकिस्तान को एक फ्रेमवर्क, एक लीगल फ्रेमवर्क में, मतलब एक पूरा पावर, कुछ सॉर्ट ऑफ ऑर्डर्स देने स्टार्ट कर दिए कि मुझे इस तरह के ऑर्डर्स देना, मुझे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ के प्रोविंशियल्स को चेंज करना है। ठीक है, और मतलब मुशर्रफ, यहाँ पे कहा जाता है कि जनरल मुशर्रफ जो कुछ भी कर रहे थे दे इट इज़ नॉट डन इन अ प्रॉपर वे, वो एक डेमोक्रेटिक तरह से नहीं कर रहे थे। डेमोक्रेटिक तरह से मतलब वहाँ पर नॉर्मल लोगों का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था, वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था वो बस पावरफुल लोग के बीच में ही हो रहा था, या बस खुद में ही ग्रुपिज्म करके या खुद में ही मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स आ करके डिसीजन ले रहे, वोट्स कर रहे और उन्हें अब इम्प्लीमेंट कर दे रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी डिसीजन प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जब भी इलेक्शंस होते हैं कॉमन पीपल आर द पिलर्स, हम लोग पिलर्स हैं जहाँ पर हम डिसाइड करते हैं, वी आर फ्री टू चूज, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, सारे पावर्स मिल गए यहाँ पे मुशर्रफ को और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना स्टार्ट किया। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को कुछ नए पॉलिसीज दिए जाए। ठीक है, और उस पॉलिसीज को उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क, एक ऑर्डर पब्लिश किया। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट क्या कर सकते थे वहाँ पे, किसी भी नेशनल प्रोविंसेस या किसी भी असेंबली को, किसी भी ऑर्डर को डिसमिस कर सकते थे। एक ऐसा उन्होंने पॉलिसी फॉर्म किया, एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर पास किया जिसके अकॉर्डिंग एक प्रेसिडेंट को एक पूरी पावर थी कि वो किसी की भी पावर को डिसमिस कर सकता है और किसी भी कैबिनेट, किसी भी असेंबली को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या होने लगा, चीज़ें आगे बढ़ने लगी। जो सिविल कैबिनेट का जो वर्क था वो नेशनल सिक्योरिटी अब उसकी देख रेख करने लगी। ठीक है, और वो नेशनल सिक्योरिटी को कौन देख रहा था, सारे मिलिट्री ऑफिसर्स। सिविल कैबिनेट क्या होता है बच्चों, सिविल कैबिनेट एक ऐसा कैबिनेट सिस्टम है जहाँ कॉमन पीपल होते हैं, जहाँ पे मिलिटेंट्स का कोई काम नहीं होता। ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC क्या होती है, वैस वो काउंसिल जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को देखती है, जो हमारे डिफेंस में अलाउ होती है। ठीक है, NSC आप लोगों ने क्लास इससे प्रीवियसली आप लोग आगे पढ़ोगे कि NSC ग्रुप क्या है। ये हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में, हमारे मिलिटेंट्स में जो हेड्स होते हैं उन लोग इसके साथ वर्क करते हैं। तो जो कैबिनेट मिशन था, मतलब जो सॉरी सिविल कैबिनेट जो था, मतलब जो कॉमन पीपल थे, वो जो कॉमन पीपल का कैबिनेट था, वो अब कौन सुपरवाइज करने लगे थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उसको सुपरविजन करने लगे थे। और उसका डोमिनेशन, मतलब उसको कोई भी काम करने के लिए ऑर्डर कौन देता था, मिलिट्री ऑफिसर्स। जितने भी मिलिट्री ऑफिसर जो हायर पोस्ट पे होते हैं वो हर जगह आगे पॉलिटिक्स में काम करते हैं। तो यहाँ पर भी मिलिट्री ऑफिसर्स जो हाई अथॉरिटी में थे, जो अच्छे खासे सुपरवाइजर थे, वो लोग अब इसमें काम करना स्टार्ट करे, वो लोग अब उनको ऑर्डर्स देते थे। ठीक है, ये लॉ पास होने के बाद जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको कुछ पावर्स मिल गई। ऑब्वियसली जब कोई लॉ पास होता है और मिनिस्टर्स किसी पावर में आते हैं तो उन्हें, मिनिस्टर्स को अगर कोई पोस्ट मिलती तो उन्हें उनके अलग अलग पावर्स दिए जाते हैं कि आप इतना काम कर सकते हो, आप इस हद तक अपने पावर को इनरोल कर सकते हो, या आप किसी लोगों को इतना डोमिनेट कर सकते हो, इस तरह की पावर सारे रिप्रेजेंटेटिव को मिलती। तो यहाँ पे भी मुशर्रफ की उस पॉलिसी को फॉर्म करने के बाद एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने जो भी पॉलिसी पास किया, जो भी नया लॉ पास किया, उसके बाद वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को कुछ पावर्स मिली, लेकिन अभी भी फाइनल पावर किसके ऊपर थी, मिलिट्री ऑफिसर्स की। भले रिप्रेजेंटेटिव्स को, मतलब अलग जैसे होता ना, अलग अलग ग्रुप्स को पावर मिली, लेकिन उस ग्रुप का जो हेड उसको लीड कौन कर रहा था, अभी भी मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ ही लीड कर रहे थे, क्योंकि अभी जो मेन पावर थी वो किसके ऊपर थी, जनरल मुशर्रफ के ऊपर थी। ठीक है, इन सारे अभी भी क्या हो रहा है, उन लोगों को इंडिविजुअली पावर नहीं दी गई, ये पावर्स किसके अंडर काम कर रही थी, जनरल मुशर्रफ। ये सारे पावर को रोल कौन कर रहा था, जनरल मुशर्रफ। कोई भी क्या काम करेगा, नहीं करेगा, किसका क्या पावर है, कौन से असेंबली को कैंसिल करना है, कौन से रिजल्ट को लेना है या कौन से ऑर्डर को पास करना है, इसका पूरा डिसीजन कौन ले रहा था, जनरल मुशर्रफ। और उसको सुपरविजन, मतलब उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहे थे, बाकी मिलिट्री ऑफिसर्स कर रहे थे। यहाँ पे आपने देखा नॉर्मल इंसान का, कॉमन पीपल का कोई रोल नहीं था। इस रीजन से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो जनरल मुशर्रफ ने किया वो हम लोग डेमोक्रेसी के अंडर नहीं ले सकते, डेमोक्रेटिकली नहीं किया। भले उनके पास सारी पावर्स थी, एक फीचर को हमारे डेमोक्रेटिक वाले एक फीचर को ये ज़रूर क्लैरिफाई करता है कि इलेक्टेड बाय द पीपल एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक ऑल द मेजर डिसीजंस।
लेकिन यहाँ पे ये क्लैरिफाई नहीं कर रहा है कि जो जनरल मुशर्रफ है इसके आगे उन्होंने जितने भी काम किए वो सारे उन्होंने डेमोक्रेटिकली, वो सारे काम उन्होंने डेमोक्रेटिकली नहीं किए, सारे काम उन्होंने कैसे किए, बस अपने लोगों को इन्वॉल्व करके किया, वहाँ पे कॉमन पीपल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक तरह से जनरल मुशर्रफ ने काम नहीं किया, आगे के जितने भी लॉ पास हुए वो डेमोक्रेटिकली नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन ये की फीचर जो हमारे डेमोक्रेसी का पहला है उसको क्लैरिफाई ज़रूर करता है। ये सारे देखने आपने, जनरल मुशर्रफ ने सारे डिसीजंस कौन ले रहा है, जनरल मुशर्रफ ले रहे हैं, और उसके बाद सारी पावर्स किसके हाथ में, जनरल मुशर्रफ के हाथ में। ओके, सो इससे हमें ये समझ आया कि इलेक्टेड बाय द पीपल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक ऑल मेजर डिसीजंस का क्या मतलब है। अगर यहाँ पे जनरल मुशर्रफ खुद को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते तो जो उन्होंने रेफरेंडम सेशन रखा था उसके बाद उन्होंने अपना डेजिग्नेशन चेंज किया था, वहाँ पर अगर वो लोगों को भी इलेक्ट करते, कॉमन पीपल को लाते कि वो इलेक्शंस में पार्ट लें, उन्हें एज अ प्रेसिडेंट वोट करें, तब हम कह सकते थे कि जनरल मुशर्रफ ने जो भी आगे काम किया या जो भी इलेक्शन के वाया वो जो खुद को एक डिक्लेयर पोजिशन में लेकर के आए वो क्या था, डेमोक्रेटिक वे में था। बट ऐसा नहीं है। ओके ओके ना, नाउ वी विल डिस्कस दैट। अब हम लोग अनदर एग्जाम्पल लेंगे टू कंप्राइज, हम कंपेयर करने के लिए डेमोक्रेसी का सेकेंड की फीचर, ठीक है, कि हर जगह इलेक्शंस फ्री और फेयर होने चाहिए और वैसी पार्टी जिसके पास पावर होती है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं लूज करने के, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे केस ऑफ चाइना, ठीक है। चाइना में सबसे पहले, टू बी वेरी शॉर्ट, आप लोगों को शॉर्टली बताती हूँ कि क्या है, स्टोरी बहुत लंबी है चाइना की, लेकिन शॉर्टली ये है कि चाइना में जो इलेक्शन सेशन थे या चाइना में जो भी इलेक्शन के पर्पस होते हैं, चाइना में जो पार्टी चलती है वो सिंगल पार्टी होती है, ठीक है। वहाँ की सिस्टम सिंगल पार्टी सिस्टम प्रैक्टिस होती है इन चाइना, ओके। सिंगल पार्टी सिस्टम वहाँ प्रैक्टिस तो होती है बट वो भी चुनी जाती है बाय द पीपल, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वहाँ पे भी लोग जो है ना वो सॉरी जो पार्टीज है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होती हैं, ठीक है। और वहाँ पे भी सारे जितने भी पावरफुल पार्टीज होती है वो बाकी के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन वो पावरफुल पार्टी को चुनने का काम कॉमन पीपल का होता है वाया इलेक्शन, ठीक है। उसे भी हम आम इंसान ही चुनते हैं, कोई भी पावरफुल पार्टी। उसके बाद जितने भी पावर्स होते हैं उसका काम जो हैंडल करना होता है वो उस पावरफुल पार्टी का काम होता है, और पार्टी जितनी पावरफुल होती है उनके हारने के चांसेस उतनी लो हम लोग कह सकते हैं, और जितनी कमज़ोर पार्टी होती है उनके हारने के चांसेस उतनी ज़्यादा होती है। इन चाइना सिंगल पार्टी सिस्टम प्रैक्टिस होता था वहाँ पर, बट दैट पार्टी वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल। नेवर फॉरगेट दैट कि कोई भी पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी अगर एग्जिस्ट करती है हमारे सिस्टम में तो दैट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। सिर्फ कुछ ही पार्टीज ऐसी होती है बच्ची जो कि हमारे लोगों के बीच में इलेक्ट नहीं होती, जो कि कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या कुछ ऐसे हायर पोजीशन होल्ड करने वाले होते हैं पॉलिटिक्स में जो कि उनको चुनते हैं और मेजॉरिटी वोट्स में वो लोग इलेक्ट होते हैं। बस बाकी टाइम जितना भी है, जितनी भी पार्टीज इलेक्ट होती है वो लोगों के द्वारा ही होती है। सिर्फ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज ये कह सकते हो, छोटे छोटे पार्टीज ऐसे होते हैं छोटे हिस्से गवर्नमेंट के जिसको वो लोग खुद से चुनते हैं, और वो भी मेजॉरिटी में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंसान ने डिसीजन दिया कि इस पार्टी को नेक्स्ट इलेक्शन में खड़ा करना है, ऐसे नहीं, बाकी लोग उसके ऊपर डिसीजन करते हैं कि ये नेक्स्ट पार्टी खड़ी हो सकती है कि नहीं। सारे वोट्स अगर हाँ में आते हैं, मेजॉरिटी होती, तब उस पार्टी को इलेक्शन में खड़ा किया जाता है, ठीक है। इसमें लोगों का कोई हाथ नहीं होता, हम नहीं बताएं कि कौन सी पार्टी खड़ी होगी कौन सी नहीं होगी, ये सारे वहाँ के गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का काम होता है। सो चाइना में लेकिन एक और पॉलिसी थी कि चाइना में कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट को अगर इलेक्शन में खड़ा होना होता था या पार्टिसिपेट करना होता था तो वहाँ उन्हें एक पार्टी CCP दैट इज़ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ता था। किसी भी कैंडिडेट को अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन उस कैंडिडेट को उस CCP मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ता, जब उसे अगर उस पार्टी का अप्रूवल मिल गया तो फिर वो आगे इलेक्शन में परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और वही मेंबर्स जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे, ठीक है, वो ही अलाउ, उन्हीं ही परमिशन थी कि वो सारे कॉन्टेस्ट जो है इलेक्शन के वो कर सकते थे, ठीक है। बाकी जितने भी मेंबर्स थे उन्हें इस चीज़ की अलाउंस नहीं थी,
those who are the members of Chinese Communist Party और 8 smaller parties जिसे हम लोग कहते हैं, 8 smaller parties भी यही है Chinese Communist Party, क्योंकि इसके जो members होते हैं वो 8 members होते हैं, इसीलिए इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है, are allied it were allowed to contest election, बस इन्हें ही permission थी, इन्हें ही authority थी कि elections को contest कर सकते थे, बाकी लोगों को नहीं थी, ओके? और यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो यहाँ की जो भी गवर्नमेंट या जो भी सिस्टम फॉर्म होती थी इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी कौन फॉर्म करता था, दीज पार्टीज आर फॉर्म बाय द पीपल, ठीक है, ये सिर्फ एक ही केस आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट चाइना, इसके बाद एक और केस है बच्चों अबाउट मेक्सिको, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे, फिर हम लोग डिसाइड ये करेंगे कि ये दोनों केसेस उस सेकेंड की फीचर को डिफाइन कर रहा है कि नहीं, ओके, ये बस आज के लिए इतना ही, टिल देन आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो इन सारे नोट्स को, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करें आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, ओके, टिल देन स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट and thank you.